दोस्तों आज के इस वीडियो में पीएनबी क्रेडिट का लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लिए, बेसिक डिटेल फिल करते ही हमारे सिविल प्रोफाइल के बेसिस पे 95,000 लिमिट का अप्रूवल आ चुका है। इससे पहले भी मैं अपने और अपने सभी फैमिली मेंबर का टोटल 5 क्रेडिट कार्ड पीएनबी में बनवा चुका हूं। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि क्रेडिट कार्ड और लोन जब चाहो तब नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने देखा कि एक फैमिली मेंबर का बनाया चुटकियों में बन गया, दूसरा बनवाया चुटकियों में बन गया, उसके बाद बैक टू बैक मैं अपने सभी फैमिली मेंबर का कार्ड बनवा करके आप यहाँ पे मेरे हाथों में कार्ड देख सकते हैं। 3 पतंजलि क्रेडिट कार्ड, 2 प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड रुपए वेरिएंट द्वारा कार्ड इशू किया गया है, जिसे हम यूपीआई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं और सबका लिमिट जो है वो 50,000 प्लस दिया गया है। और सभी कार्ड लेने के लिए कोई भी कॉल वेरिफिकेशन नहीं, किसी भी प्रकार का होम या ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया, सिंगल अटेम्प्ट में ये सारे कार्ड हमारे अप्रूव हुए हैं सिर्फ सिविल बेसिस पे। तो आज के इस वीडियो में कार्ड लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। वीडियो के वैसे में क्या क्या पूछा गया लाइव आप देखेंगे, इसके अलावा ईमेल करके कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का डिमांड किया गया लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो के अलावा कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं कार्ड एक्टिवेट करके वर्चुअल कार्ड देखने तक का प्रोसेस और लिमिट वगैरह कैसे चेक करेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले मैं 2-4 पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 साल होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो ही आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी स्लिप या ITR। देखिए सैलरी स्लिप बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ITR बनाना पॉसिबल है। आप 10 मिनट के अंदर ITR फाइल करवा सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट करके, कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। और बात करें आखिर कौन सा कार्ड बेस्ट है, कौन सा कार्ड हम अप्लाई करें, तो देखिए दोस्तों आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्ड का अप्रूवल आएगा। यहाँ पे किसी एक डेडिकेटेड कार्ड को सेलेक्ट करने का, अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता है। आपके प्रोफाइल के ऊपर अप्रूवल आएगा जिसमें 4-5 कार्ड शो किए जाएंगे, जिसमें से कुछ कॉमन क्रेडिट कार्ड होंगे, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, पतंजलि क्रेडिट कार्ड जो कि रुपए वेरिएंट द्वारा इशू होता है, लाइफ टाइम फ्री दोनों ही कार्ड है। तो इससे अच्छा पहले हम कार्ड को अप्लाई करते हैं और जहां पे अप्रूवल आएगा वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये 5 अगर कार्ड का अप्रूवल आ रहा है तो इसमें से कौन सा बेस्ट है। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां से आपको कार्ड अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें पीएनबी कार्ड के ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाना है, हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। उसके बाद देखिए अप्लाई कार्ड ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और देखिए अप्लाई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और कंप्लीट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम कार्ड को अप्लाई करेंगे और अगर बाद में वीडियो केवाईसी करना होगा तो यहीं से आपको लिंक भी मिल जाएगा, हालांकि एंड पेज के ऊपर लिंक मिल भी जाता है आपको। अप्लाई क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमने क्लिक किया, उसके बाद देखिए इधर कई सारे कार्ड के यहाँ पे बेनिफिट वगैरह दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये सबको इग्नोर करेंगे। वेलकम टू पीएनबी यहाँ पे आ चुका है। और अब देख लीजिए सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है और पीएनबी का अकाउंट नंबर डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अभी तक हमारा पीएनबी में कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ फिर क्या ऑप्शन आता है। तो अब 3 ऑप्शन अभी हमें फिल करना है, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है पैन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन कंप्लीट करते करते बीच में कहीं छोड़ देते हैं और दोबारा से उसी स्टेप के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो रिसम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखिए तीनों डिटेल हमने फिल कर लिया है, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन आ गया है, आई एग्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी मैं यहां पे एंटर करके और वैलिडेट ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए उसके बाद पैन कार्ड डिटेल जो हमने डाला उसके बेसिस पे यहां पे नेम आ चुका है। अब हमें यहां पे आधार नंबर एंटर करना है और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और ये हमने आधार नंबर डाल दिया है। अब सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम आधार नंबर डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं यहां पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आ चुका है कि हम आपका डाटा आधार कार्ड से फेच करेंगे, तो आई एग्री यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पे आधार रजिस्टर नंबर के ऊपर ओटीपी आया है, ओटीपी हम यहां पे एंटर करके वैलिडेट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां पे लोडिंग हो रहा है। ओके इस पेज के ऊपर हमारे आधार कार्ड से सारा डाटा फेच हो चुका है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को ब्लर करके मैं आपको दिखाता हूं। ओके तो यहां पे देख लीजिए हमारा मोबाइल नंबर आ चुका है, यहां पे सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेज जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट करेंगे, यहां पे नेम आ चुका है आधार और पैन कार्ड के बेसिस पे और यहां पे आपको फिल करना है नेम रजारवन कार्ड, कार्ड के ऊपर क्या नाम छपाना है वो चीज आपको यहां पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल हो चुका है, ईमेल आईडी हमने फर्स्ट पेज के ऊपर डाल दिया था, मैरिटल स्टेटस आपको यहां पे सिंगल है या मैरिड है सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, पैन नंबर आ चुका है, आधार नंबर आ चुका है, मदर नेम आपको यहां पे फिल करना है यानी टाइप करना है, फादर नेम यहां पे टाइप करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेजुएट है अंडर ग्रेजुएट है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के बेसिस पे यहां पे एड्रेस भी फैच हो चुका है, अगर आप आधार एड्रेस के ऊपर नहीं रहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, यहाँ पे आपको कुछ फिल करना पड़ेगा जैसे कि लैंडमार्क हो गया ये आपको फिल करना है, स्टेट फिल करना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सारा कुछ आपके आधार डाटा से फैच कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार यहाँ पे डिटेल वेरीफाई कर लेना है। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन
डिटेल पूछा जा रहा है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल देना है। अगर आप जॉब करते हैं तो कंपनी नेम डाल देंगे, या किसी दुकान वगैरह में काम करते हैं, या खुद का बिजनेस है तो अपना यहाँ पे जो भी बिजनेस नेम है वो डालना है। यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम यानी कि सालाना आप कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है 3 लाख हो या 2.5 लाख हो। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे, आपका क्या वहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, मैनेजर है या वर्कर है या कंप्यूटर स्टाफ है, अकाउंटेंट है, सीए, जो भी सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है ऑफिस का, ठीक है, ऑफिस का लैंडमार्क यहाँ पे फिल कर देना है, कोई भी अगर मंदिर मस्जिद आपके ऑफिस के आसपास में फेमस जगह है वो फिल कर देंगे। स्टेट फिल करेंगे, सिटी फिल करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो पिन कोड का लिस्ट आ जाएगा, तो उसमें से अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका पिन कोड नहीं आ रहा वहां पे, इट मींस आपके एरिया में वो कार्ड नहीं मिलने वाला है। चलिए उसके बाद कस्टमर टाइप, ये क्या है, ये नया चीज लग रहा है। सेलेक्ट कस्टमर टाइप के ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन आता है। हालांकि इसके अलावा अगर मैं देखूं तो डू यू असिस्टेड बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक रखने वाला हूँ, यानी कि मैं किसी से सहायता नहीं ले रहा हूँ। और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कस्टमर टाइप में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ये रहा कस्टमर टाइप में। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप करते क्या है, बिजनेस है या मल्टीनेशनल में काम करते हैं, या प्रोफेशनल है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, यानी कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाटा फिल करना है। और ये सब फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए हमने सारा डाटा फिल कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या खुल के आता है। आई थिंक कार्ड का अप्रूवल आ सकता है। ओके, हाँ, फाइनली ये हमारा कार्ड का अप्रूवल आ चुका है, जहाँ पे पहला कार्ड है पतंजलि, उसके बाद प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद है वीजा क्लासिक कार्ड है, और अगर मैं देखूं तो ये रहा वीजा गोल्ड कार्ड। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 कार्ड का अप्रूवल आ चुका है। और वैसे मैं आपको बता दूं बेस्ट कार्ड कौन सा रहने वाला है, पीएनबी का पतंजलि कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप फ्री है, और प्लेटिनम कार्ड भी लैपटॉप फ्री है। लेकिन ये दोनों कार्ड को यूज किया हूं तो पतंजलि कार्ड में मुझे कैशबैक और रिवॉर्ड ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो मैं पतंजलि कार्ड ही मैं लेना चाहूंगा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कार्ड का क्या बेनिफिट है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट दिस कार्ड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस कार्ड के बारे में डिटेल खुल के आ जाएगा। देख लीजिए पीएनबी पतंजलि रुपए प्लेटिनम कार्ड है। देखिए जैसे ही फीचर्स और बेनिफिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है नो ज्वाइनिंग और नो एनुअल फीस, यानी कि कार्ड बिल्कुल ही लाइफटाइम फ्री होने वाले हैं, और 300 प्लस रिवॉर्ड पॉइंट फॉर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। खैर चलिए हमारा फाइनल डिसीजन है पीएनबी पतंजलि कार्ड को अप्लाई करने का, तो ये कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी के साथ साथ आप दूसरे कार्ड सबको भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको कौन सा कार्ड अच्छा लगता है, लेकिन मैं पतंजलि कार्ड को लूंगा। तो जैसे हमने कार्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख लीजिए यू हैव सेलेक्टेड दिस कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, कंफर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद इस पेज के ऊपर नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी डिटेल यार हम पैसा जमा करते हैं अपना पैसा तब हम नॉमिनी ऐड करते हैं, और ये तो लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे लोन में नॉमिनी चलो कोई बात नहीं, अगर पूछ रहा है तो देना ही पड़ेगा। सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि टाइटल सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद नॉमिनी नेम डालेंगे और नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो डालेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और एड्रेस आपको फिल कर देना है नॉमिनी का, और स्टेट सिटी पिन कोड सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या खुल के आता है। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर अनिल कुमार, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इनकम प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दिया जा रहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 2 MB से नीचे नीचे का होना चाहिए, और जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ और पीडीएफ वगैरह भी एक्सेप्ट होते हैं। तो हालांकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत आता है उसका सलूशन मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन देख लेते हैं यार डॉक्यूमेंट क्या मांग रहे हैं। यहाँ पे इनकम प्रूफ के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, यानी कि क्या क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए इनकम प्रूफ में ITR या सैलरी स्लिप दे सकते हैं, सैलरी स्लिप 3 महीने का और ITR का ऑप्शन है। उसके बाद देख लेता हूँ बैंक स्टेटमेंट में कितना दिन का मांगता है। ओके, तो इनकम प्रूफ में ITR और सैलरी स्लिप 3 मंथ, यानी कि आपको ITR देना है या 3 मंथ का सैलरी स्लिप देना है, जो भी आपके पास है दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं अगर आपके पास ITR नहीं है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके 10 मिनट के अंदर ITR फाइल करवा सकते हैं, जो आप यहाँ पे अपलोड करके कार्ड ले सकते हैं। हालांकि अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले मैं ITR क्यों फाइल करवाऊं, क्या जरूरत है उसका, तो पहले आप ऐसा करो कार्ड अप्लाई करो, और कार्ड अप्लाई करने के बाद ITR के वजह से अगर आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हो रहा होगा तो इसी स्टेप के ऊपर रुक जाना, हमसे कॉन्टेक्ट करना, 10 मिनट के अंदर आपको ITR फाइल होकर मिल जाएगा, वो ITR आप यहाँ पे अपलोड करके और सेव एंड कंटिन्यू करके सबमिट कर देना। हालांकि ITR के बेसिस पे और भी कुछ क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, या आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हैं ITR के बेसिस पे, तो ITR तो आपके पास होना ही चाहिए, चाहे हमसे फिल करवाओ चाहे कहीं से फिल करवाओ। वैसे देखिए जैसे ही मैं ITR सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है काइंडली अपलोड लास्ट ईयर IT रिटर्न। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें 3 साल का ITR करके दो, कहीं भी 3 साल का मांगता है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लो काइंडली अपलोड योर लास्ट ईयर ITR, यानी कि लेटेस्ट ITR जो भी आपके पास है नया वाला ITR
वही आपको यहाँ पे देना है। चलिए ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। और जैसे ही आप ITR अपलोड कर देते हैं या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन आएगा इनकम प्रूफ सक्सेसफुली अपलोडेड। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। वहीं पे अगर आपके मन में डाउट हो कि हमारे स्टेटमेंट में तो अच्छा खासा ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो देने से काम होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली काम होगा, बशर्ते कि आपके उस स्टेटमेंट में ECS बाउंस चार्जेस का कोई एंट्री नहीं होना चाहिए ताकि बैंक को यह ना पता चले कि आप कोई डिफॉल्ट करते हैं, तो इससे आपका काम खराब हो सकता है। बाकी नॉर्मल स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन भी है तो भी अप्रूव हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता पा रहा हूं, हमारे 4 फैमिली मेंबर का स्टेटमेंट देकर के कार्ड बनवा चुका हूं। कुछ का ट्रांजेक्शन सही था, कुछ का नॉर्मल था, कुछ का मतलब बैड ही था, चारों अप्रूव हो चुके हैं। 100% अप्रूवल मैं कह सकता हूँ PNB कार्ड को, अगर आपके पास ITR है तो। चारों के चारों मैं ITR देकर के लिया था क्योंकि सैलरी स्लिप हम लोगों के पास है ही नहीं। तो चलिए फटाफट से सारा डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड कर देता हूँ। और वी आर रिटर्न योर डिटेल, वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। अब देखते हैं, आई थिंक अप्रूवल तो अब आ जाना चाहिए या रिजेक्ट होता है, देखते ओके। हाँ, ये फाइनली अप्रूव हो चुका है। ये यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। ऑफर्ड प्रोविजनल क्रेडिट लिमिट 95,000 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और क्लिक हेयर टू इनिशिएट वीडियो केवाईसी, वीडियो केवाईसी का लिंक यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो केवाईसी का लिंक आप वेबसाइट से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप यहाँ पे क्लिक करके लिंक सेव करके रख लीजिए और उसी लिंक से वीडियो केवाईसी करिएगा, ताकि आपको इंतजार नहीं करना होगा कि ईमेल के ऊपर वीडियो केवाईसी का लिंक आए या मोबाइल के ऊपर वीडियो केवाईसी का लिंक आए या कस्टमर केयर से लिंक रीसेंड करूं। उससे अच्छा यहाँ पे क्लिक करो, लिंक आएगा, लिंक सेव करके रख लो, या अगर आप वर्किंग आवर में कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो साथ के साथ ही कंप्लीट कर लो वीडियो केवाईसी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि वीडियो केवाईसी में क्या क्या पूछा जाता है, उसके बाद हम बात करेंगे कार्ड अप्रूवल का प्रोसेस कितना दिनों का होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्चुअल कार्ड आप कैसे देखेंगे। देखिए कार्ड अप्रूवल की अगर मैं बात करूं तो चारों कार्ड हमारे 15 से 20 दिन में मिले हैं, तो आप भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका कार्ड बन जाए, ठीक है। मिनिमम 15 दिन मान के चलो, 15 से 20 दिन का समय लग सकता है आपको। उसके बाद जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव होता है, फिजिकल कार्ड आपके पास पहुंचे या ना पहुंचे, वर्चुअल कार्ड को आप एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे, चलिए मैं आपको लक प्रूफ दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको PNB जीनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम साइन अप आपको करना पड़ेगा, जहां पे पैन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, OTP सबमिट करके आपको साइन अप कर लेंगे। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूं, तो मैं लॉग इन करके आपको दिखा देता हूं। MPIN यहां पे डाल के लॉग इन करेंगे और वर्चुअल कार्ड देखने के लिए आपको ई कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे देख लीजिए MPIN डालेंगे। साइन अप करते समय आप खुद से सेट करते हैं, हमने MPIN डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया और यहां पे बताया जा रहा आपके नंबर के ऊपर OTP गया है, तो OTP मैं यहां पे एंटर कर देता हूं और OTP मैं सबमिट कर देता हूं। और ये देख लीजिए कार्ड डिटेल आ चुका है, शो कार्ड नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहां पे हमारा कार्ड नंबर शो हो चुका है, एक्सपायरी डेट शो हो चुका है, शो CVV के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा CVV नंबर भी शो हो चुका है। लेकिन कार्ड अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल नहीं किया है। इसके लिए आपको मैनेज कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और सेट स्पेंडिंग लिमिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से लिमिट सेट कर लेंगे, किस टाइप का ट्रांजेक्शन आप कितना लिमिट करना चाहते हैं। और फिर से आपको आना है मैनेज कार्ड में और ट्रांजेक्शन प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए डोमेस्टिक ऑनलाइन में हमने इनेबल किया है, POS ई-कॉमर्स और ATM इनेबल किया है और इंटरनेशनल में ऑफ रखता हूँ। और कार्ड का लिमिट देखने के लिए आप अकाउंट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे और अकाउंट समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपका करंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे शो हो जाएगा, क्रेडिट लिमिट शो हो जाएगा, अवेलेबल लिमिट शो हो जाएगा, कैश लिमिट और स्पेंडिंग लिमिट सब कुछ आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब तक हमने सारा प्रोसेस देख लिया कि कार्ड अप्लाई कैसे करना है, वीडियो केवाईसी कब और कैसे करना है, कार्ड का अप्रूवल कितने दिनों में मिलेगा, वर्चुअल कार्ड कहां से देखेंगे, कार्ड का लिमिट कैसे सेट करेंगे और कार्ड को यूज कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो में पूरा जानकारी दे पाया हूं। चैनल पर नया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, ITR फाइल जरूर करवाइए, चाहे हमसे करवाइए चाहे कहीं से भी करवाइए, क्योंकि ITR आपको पूरे साल काम आएंगे कोई भी कार्ड अप्लाई करने में या किसी भी कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवाने में। तो ITR के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं जो कि सर्विस पेड है। चैनल पर नया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।